अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 12 का ये लेक्चर नंबर 12, जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को डिफरेंशिएट करना है। अगर लर्निंग आउटकम को देखें तो हमें कहा गया कि एनर्जी कंसिडरेशंस को बुनियाद बनाकर हम ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्टिंग्विश करें, डिफरेंशिएट करें। तो इस लेक्चर में हम पहले ईएमएफ पे बात करेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पे, और लास्ट पे दोनों का डिफरेंस जो है वो देखेंगे, ताकि पहले अलग अलग हम समझ लें, बाद में डिफरेंस और कंपैरिजन हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो लेक्चर का आगाज करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इंट्रोडक्शन से। स्टूडेंट्स, अगर हम एक क्लोज्ड सर्किट में स्टेडी करंट को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें एक सोर्स की ज़रूरत होगी, एक ऐसे सोर्स की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स रिक्वायर्ड है स्टेडी करंट को फ्लो करवाने के लिए किसी क्लोज्ड सर्किट में। अब ये जो सोर्स है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये बैटरी हो सकता है, जनरेटर हो सकता है, सोलर सेल हो सकता है, कोई थर्मोकपल हो सकता है। डिफरेंट सोर्सेज मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्जेस को मिलती है और चार्जेस जो है वो फ्लो करते हैं सर्किट में से। तो हम कहते हैं कि सर्किट में से एक स्टेडी करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब इन जो डिफरेंट सोर्सेज हैं ना स्टूडेंट्स, जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हम इनको नाम देते हैं सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। अब जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जिसको शॉर्ट में हम ईएमएफ कहते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता वो समझ लेते हैं कि जैसे ये कोई फोर्स है, क्योंकि इसके नाम में फोर्स आ रहा है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो एनर्जी है, या आप वर्क डन भी किसी हद तक कह सकते हैं, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी असल में तो एक ही चीज़ है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, हकीकत में ये एनर्जी है जो एक चार्ज जो है वो कंज्यूम करता है सर्किट में मूव करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि एक चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाना है, उसको मूव कराना है, फ्लो करवाना है, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो एक चार्ज को पूरे सर्किट में से घुमाने के लिए, फ्लो करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको ईएमएफ का नाम देते हैं। नाम में अगरचे फोर्स का वर्ड है, असल में क्या है, ये एक एनर्जी है। डिटेल से हम एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में इसके ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जब जिन सोर्सेज का जिक्र किया अभी, इनमें से कोई सोर्स आप सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस आर लगी है, तो इसका नतीजा क्या निकलता है? जैसे ही ईएमएफ का सोर्स आप अटैच करोगे रेजिस्टर के साथ, रेजिस्टेंस के साथ, सर्किट के साथ, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिवेल्प होगा, क्योंकि वो जो सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो उस सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश कर देगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ है, इसका एक एंड जो है वो हाई पोटेंशियल पे होता है, दूसरा एंड लो पोटेंशियल पे होता है। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है। तो एक सर्किट में हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। अब इस बात को पहले मैं आपको रफ में जाके एक सर्किट में एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको नोट्स की तरफ लाऊंगा, ताकि बेहतर तौर पे आपका कंसेप्ट जो है वो डेवलप हो सके। तो रफ में आके हम एक सर्किट को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के एक बैटरी है, बैटरी के दो एंड्स हैं, एक पॉजिटिव एंड है बैटरी का, एक नेगेटिव एंड है, इनको टर्मिनल्स भी कहते हैं। और हमारे पास एक सर्किट है, या आप कह लो एक कंडक्टर है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कंडक्टर की एक साइड पर अटैच किया, वहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बैटरी का दूसरा एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सर्किट या कंडक्टर के दूसरी साइड पे जो है वो अटैच किया, तो सर्किट के या कंडक्टर के इस साइड पे नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। जो नेगेटिव एंड होता है स्टूडेंट्स, हम इसको लो पोटेंशियल एंड कहते हैं, या सिंपली आप इसको लो पोटेंशियल कह सकते हो। और जो पॉजिटिव एंड है या पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हम हाई पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो जैसे ही हमने बैटरी को अक्रॉस द सर्किट या अक्रॉस द कंडक्टर जो है वो अटैच किया, तो स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया अक्रॉस द सर्किट, या आप कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया अक्रॉस द कंडक्टर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स, वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होती है।
या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, जैसा कि इस केस में आप देख सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके डेवलप होने से सर्किट में से कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, करंट की भी स्टूडेंट्स वही डायरेक्शन होती है। लेकिन दिलचस्प बात जो है वो ये है, हमने इसको इसी चैप्टर के लेक्चर वन में भी सीख रखा कि जो करंट की डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेक्चर वन में इसकी वजह भी मैंने बता रखी है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लो करते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और जो करंट है वो हम लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। जितने भी हम सर्किट्स ड्रा करते हैं उन तमाम सर्किट्स में जो करंट की डायरेक्शन हम शो करते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट को हम ड्रा करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिपल होंगे नेगेटिव टर्मिनल से और अट्रैक्ट होंगे बाय पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब खुद सोचो कि नेगेटिव टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल पे मौजूद है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हाई पोटेंशियल पे मौजूद है। तो हम फिर यूं भी तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल बगैर एनर्जी के तो हो नहीं सकता, क्योंकि चीज़ें हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो ऑटोमेटिकली मूव कर लेती हैं, लेकिन चीज़ें लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ऑटोमेटिकली मूव नहीं करती हैं। उस सूरत में वर्क डन की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अगर मूव करना है, तो जो बैटरी है या जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है इसको वर्क डन करना पड़ेगा। तो बैटरी जो है आप कह सकते हो कि इट परफॉर्म्स वर्क, या आप कह सकते हो कि ये एनर्जी जो है वो कंज्यूम करती है, ये एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करती है। तो पहले वर्क डन की सूरत में हम बात कर लेते हैं कि जो बैटरी है इट परफॉर्म्स वर्क, और जो वर्क है ये ओवर चार्ज है, वर्क ऑन चार्ज या वर्क ओवर, लाइन लगा दी मैंने, ये लाइन ऑन या ओवर आप इसको पढ़ लो। तो एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो रही है ओवर चार्ज, या वर्क जो है वो हो रहा है ओवर चार्ज। ये जो वर्क डन ऑन चार्ज है ये किस सिलसिले में है, टू मूव द चार्जेस, टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, जो कि ज़रूरी है। बगैर एनर्जी खर्च किए, बगैर वर्क डन किए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या चार्जेस जो हैं वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव नहीं करेंगे। तो इस बैटरी को, इस सोर्स को एक एनर्जी जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी पर चार्ज इस्तेमाल होती है पूरे सर्किट में से चार्ज को घुमाने के लिए, या आप कह लो कि पूरे सर्किट में चार्ज को घुमाने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल हुई या जो वर्क इस्तेमाल हुआ, दैट एनर्जी और द वर्क डन ऑन चार्ज टू मूव इट थ्रू कंप्लीट सर्किट इज नोन एज ईएमएफ। तो ईएमएफ अगरचे इसके नाम में फोर्स है, लेकिन हकीकत में ये वर्क डन है या एनर्जी है। स्टूडेंट्स आप देखो तो एनर्जी या वर्क का यूनिट जो है वो जाउल होता है, और जो चार्ज है उसका यूनिट कोलम है। तो ये बना जाउल्स पर कोलम, और जाउल पर कोलम को ही हम वोल्ट का नाम देते हैं, या आप कह लो कि जाउल पर कोलम इज इक्वल टू वोल्ट। तो ऐसा यूनिट जो बनता है ईएमएफ का वो वोल्ट बनता है। अगर ये फोर्स होती ना तो फिर इसका यूनिट न्यूटन होना चाहिए था ना, लेकिन अगरचे इसके नाम में फोर्स है लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये एनर्जी है, ये वर्क डन है ओवर अ चार्ज जो कि सोर्स ऑफ ईएमएफ या बैटरी जो है वो कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है। दैट्स वाई इसका यूनिट जो है वो जाउल पर कोलम विच इज इक्वल टू वोल्ट। तो ये इसका एसआई यूनिट है। अब वापस नोट्स में जाते हैं, वहाँ कंटेंट देखते हैं, अब आपको आसानी से सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। तो जैसे ही हमने बैटरी को अक्रॉस द सर्किट कनेक्ट किया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे अगेंस्ट द फील्ड मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स को अगेंस्ट द फील्ड मूव कराना है तो जो सोर्स है ईएमएफ का, ये बैटरी है, उसे इलेक्ट्रॉन्स को अगेंस्ट द फील्ड मूव कराने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, उसे वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो सोर्स एनर्जी सप्लाई करता है पर चार्ज, या सोर्स जो वर्क डन करता है पर चार्ज, उसको पूरे सर्किट में, ये की वर्ड है, इसको
जो है वो इग्नोर की मत कीजिएगा। पूरे सर्किट में, कंप्लीट सर्किट में चार्ज को मूव कराने की कोई से दो पॉइंट्स की बात नहीं हो रही, पूरे सर्किट में इंक्लूडिंग बैटरी, बैटरी भी सर्किट का हिस्सा है, पूरे सर्किट में एक चार्ज को मूव कराने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम होती है दैट एनर्जी इज नोन एज ईएमएफ, या पूरे सर्किट में से एक चार्ज को मूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। तो इसको हम फिर मैथमेटिकल अंदाज से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड पर चार्ज या वर्क डन रिक्वायर्ड पर चार्ज। तो इसको वर्क डन की सूरत में W by Q लिख सकते हैं, W को एक तरफ करें तो Q into epsilon हो जाएगा, epsilon सिंबल है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, कुछ किताबों में इसको E से भी इंडिकेट किया जाता है, कैपिटल E से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। तो आप यहाँ पे भी चाहो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैपिटल E से इंडिकेट कर सकते हो, लेकिन epsilon ज़्यादा यूज होता है। एक सर्किट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो सोर्स है उसके पास EMF है और इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है इस पूरे सर्किट में से। तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर पूरे सर्किट में मूव करना है, ये चार्ज को पूरे सर्किट में मूव करना है, तो बैटरी को या सेल को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। और करंट की जो डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन तो फ्लो ऑफ चार्जेस के अपोजिट है। तो ये जो डॉट्स के साथ एरो है ये करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, और इन चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के लिए बैटरी को या सेल को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, विच इज़ ईएमएफ। और इसी ईएमएफ का जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट है, जैसे आपको बताया। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। अगेन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट आपको देने के लिए और इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ रिलेट करने के लिए मैं आपको पहले रफ में ले जाता हूँ, वहाँ एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम नोट्स में आएंगे। तो यहाँ पे आप एक सर्किट देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस सर्किट के दो हिस्से हैं, एक तो इस सर्किट का सेल है, आप इसे बैटरी भी कह सकते हो, और एक इसमें एक लोड मौजूद है, या आप कह सकते हो लोड रेजिस्टेंस मौजूद है। ये सर्किट क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट है, और ये पूरे सर्किट की बात करें तो इसमें बैटरी भी इस पूरे सर्किट का हिस्सा है, सेल भी इस पूरे सर्किट का हिस्सा है। अब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट करते हैं या एक चार्ज को टारगेट करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक डॉट ले लेता हूँ, ये डॉट जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमने मूव करना है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जब इसको नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना है, इस पूरे सर्किट से इसको घुमा के लाना है यहाँ वापस इसी पोजीशन तक, तो बैटरी को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, और पूरे सर्किट में से चार्ज को घुमाने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है उसको हमने थोड़ी देर पहले ईएमएफ का नाम दिया। ईएमएफ एनर्जी है, और अब हम उसको पूरे सर्किट के साथ रिलेट करेंगे। एनर्जी पर यूनिट चार्ज एक चीज़ ये होगी, और जो चार्ज है वो घूमेगा, जो चार्ज मूव करेगा, तो चार्ज के लिए हम फ्लो का वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि वो चार्ज जो फ्लो करता है कंप्लीट सर्किट में, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो स्टूडेंट्स ईएमएफ कहलाएगी। लेकिन अगर हम इस एक्सटर्नल सर्किट की बात करें, अगर हम इस लोड रेजिस्टेंस की बात करें और इसके दो पॉइंट्स ले लें ए और बी, पूरे सर्किट को छोड़कर सिर्फ ए और बी की बात करें, तो हम अब एक चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन को ए से बी में मूव कराना चाहते हैं, तो क्या यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी? पूरे सर्किट में से चार्ज को मूव कराने के लिए अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ए से बी अगर चार्ज को मूव कराना है तो यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, यहाँ पे भी तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे भी तो वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ जो वर्क डन रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी और कुछ नहीं है, ये एनर्जी है, ये वर्क डन है ओवर चार्ज, या एक चार्ज के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। कब? जब उस चार्ज को मूव करना हो, फ्लो करना हो दो पॉइंट्स के दरमियान में, बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं तो हमारा रेफरेंस जो है वो दो पॉइंट्स होता है, लाइक इस केस में ए से बी तक की हम बात करते हैं।
तो एक एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट ये जो रेजिस्टेंस है ये एक्सटर्नल सर्किट को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्सटर्नल सर्किट में कोई से दो पॉइंट्स में एक चार्ज को मूव कराना है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है या जो वर्क डन रिक्वायर्ड है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को मूव कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो EMF कहलाती है। तो आई होप कि अब आपको अंदाजा हो गया होगा, एक बुनियादी डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा कि भाई चार्ज को सर्किट में मूव कराना है, एनर्जी तो रिक्वायर्ड है पर चार्ज। अब अगर पूरे सर्किट की बात करें तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो EMF है। और एक्सटर्नल सर्किट में कोई से दो पॉइंट्स में जिक्र करें हैं, कोई से दो पॉइंट्स में चार्ज को मूव कराने के लिए फिर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम वापस नोट्स में जाते हैं और यही चीज़ वहाँ पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल सर्किट में कोई से दो पॉइंट्स लाइक ए और बी दो पॉइंट्स ले लें, तो एक्सटर्नल सर्किट में कोई से दो पॉइंट्स में अगर हमें चार्ज को मूव कराना है तो यहाँ पे भी सोर्स को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है। तो एक्सटर्नल सर्किट में कोई से दो पॉइंट्स में जो वर्क डन रिक्वायर्ड है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है पर यूनिट चार्ज, उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यहाँ नीचे जो आप फिगर देख रहे हो इसमें फोकस किया गया है वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस का ताल्लुक सर्किट में दो पॉइंट्स के साथ है और EMF का जो ताल्लुक है वो पूरे सर्किट के साथ है। सर्किट में बैटरी हिस्सा है, जब EMF का जिक्र करते हैं ना तो उसमें बैटरी भी आ जाती है और एक्सटर्नल सर्किट भी आ जाता है, पूरे का पूरा कंप्लीट सर्किट इंक्लूडिंग द बैटरी। जब पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र करते हैं तो उसमें हम सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट का जिक्र कर रहे होते हैं और एक्सटर्नल सर्किट या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप कह लो सिर्फ वो हमारा रेफरेंस होता है। तो एक्सटर्नल सर्किट में फिर कोई से हम दो पॉइंट्स लेते हैं और उनके दरम्यान में चार्ज को मूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो वर्क डन रिक्वायर्ड है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। इसको वी से इंडिकेट किया जाता है ये भी वर्क डन या आप कह लो एनर्जी ओवर चार्ज, लेकिन इसमें रेफरेंस क्या है, बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। यहाँ पे भी डब्ल्यू को एक तरफ कर सकते हैं तो क्यू को वी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी क्यू, इसको इक्वेशन टू कह देते हैं। इक्वेशन वन भी हमारे पास मौजूद है और दोनों इक्वेशंस को थोड़ी देर में हम इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर यूनिट निकाला जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऊपर वर्क है या एनर्जी, नीचे चार्ज है, तो जाउल पर कॉलम होगा और जाउल पर कॉलम इज इक्वल टू वोल्ट। तो आपने देखा कि EMFO या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट वोल्ट, यानी असल में दोनों एनर्जीज रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट चार्ज। लेकिन फ़र्क है कि जब हम EMF का जिक्र करते हैं तो पूरे सर्किट का रेफरेंस होता है, सर्किट इंक्लूडिंग बैटरी इट्सेल्फ। तो उस केस में जो EMF या एनर्जी रिक्वायर्ड है एक चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए वो EMF, और एक्सटर्नल सर्किट में कोई से दो पॉइंट्स के दरम्यान में चार्ज को घुमाने के लिए, मूव कराने के लिए, फ्लो कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके बाद हमने एक थर्ड हेडिंग लेनी है जिसमें हम वी और ई को या एप्सिलॉन को कंपेयर करेंगे आइडियल और रियल सोर्सेज के लिए। पिछले लेक्चर में भी हमने देखा कि जो सोर्सेज हैं EMF के, हम उनको आइडियल और रियल में कैटेगराइज कर सकते हैं। आइडियल एग्जिस्ट तो नहीं करते लेकिन रेफरेंस के लिए हम इनको इनका जिक्र करते हैं, हम इनकी बात करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन सिर्फ रेफरेंस के लिए इनको थ्योरी में आपको ये पढ़ने का आइडियल सोर्सेज मिलते हैं, इनका जिक्र मिलता है क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो रियल सोर्सेज हैं वो अगर आइडियल नहीं हो सकते तो आइडियल के करीब करीब तो आ सकते हैं, इसलिए आइडियल सोर्सेज को रेफरेंस बनाकर हम स्टडी करते होते हैं। तो आइडियल जो सोर्स है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन करेगा अक्रॉस दी टू पॉइंट्स जो कि इक्वल होना चाहिए EMF के। इस बात का क्या मतलब है, EMF का या आइडियल सोर्स का मकसद क्या है, सोर्स का क्या मकसद है? सोर्स का मकसद ये है कि वो एक्सटर्नल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे। तो जो आइडियल सोर्स होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा और कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा, और ये जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है ये अपनी EMF के इक्वल मेंटेन करेगा। अब हम उन दोनों इक्वेशंस का रेफरेंस लाएंगे, तो जो दो इक्वेशंस बनाई हैं उन इक्वेशंस को यहाँ पे कंपेयर करें
तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि वो ऊपर इक्वेशंस मौजूद हैं। एक इक्वेशन में W इक्वल टू एप्सिलॉन इन टू क्यू है, ये इक्वेशन वन थी स्टूडेंट्स। फिर दूसरी इक्वेशन में अभी देखा W इक्वल टू वी क्यू है, ये इक्वेशन टू थी। दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। यहाँ देखें क्यू दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये देखा कि जो आइडियल सोर्सेज होते हैं ईएमएफ के, वो अपनी ईएमएफ के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सर्किट में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो रियल सोर्सेज हैं, रियल सोर्सेज में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद होती है। प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ी और डिटेल्स हैं इस चीज़ को वहाँ पे हम पढ़ के आए हैं कि किस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ईएमएफ का एक हिस्सा जो है वो इस्तेमाल कर लेती है, जिससे एक्सटर्नल पोटेंशियल जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। तो जो रियल सोर्सेज हैं ईएमएफ के, सबके पास इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल और मौजूद है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम सीख क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट जो सोर्स में इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस की वजह से ये इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद है, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस जो रियल सोर्सेज सर्किट में प्रोवाइड करते हैं वो ईएमएफ के इक्वल नहीं होता। आइडियल सोर्सेज जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं वो तो ईएमएफ के इक्वल होता है, लेकिन जो रियल सोर्सेज हैं वो जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं या प्रोवाइड करते हैं वो ईएमएफ के इक्वल नहीं होता। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाती है, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो फिर हम इनको रिलेट करें आपस में। ये लास्ट लेक्चर में इक्वेशन मैं आपको पढ़ा चुका कि किस तरह से आती है। चलो मैं क्विकली दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ कि जो रियल सोर्सेज हैं, रियल सोर्सेज में जो ईएमएफ है स्टूडेंट्स, उसका एक पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बनाने में, और एक पार्ट जो है वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट वी आर डेवलप करने में। वी आर डेवलप करने में का मतलब ये है कि ये स्टूडेंट्स एनर्जी लॉस है, या आप कह सकते हो कि इसको पोटेंशियल ड्रॉप का नाम देते हैं। क्यों देते हैं? अगेन प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की कि ईएमएफ का एक हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है एक्सटर्नल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कन्वर्ट करने के लिए, और ईएमएफ का एक हिस्सा जो है वो एनर्जी लॉस की सूरत में इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ज़ाया हो जाता है, और इसको हम वी आर से इंडिकेट करते हैं। अगर इन दोनों पार्ट्स को हम ऐड कर लें V प्लस वी आर, तो ये वापस से एप्सिलॉन के इक्वल हो जाने चाहिए। तो V प्लस वी आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, और यहाँ से वी आर को हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस वी आर, यही इक्वेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अब जो वी आर है, चूंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप है अगेंस्ट द या अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ हम इसको मॉडिफाई करेंगे, ये जो V है ये वी आर है, तो हम इसके नीचे स्मॉल r लगा देंगे, और रेजिस्टेंस कैपिटल R की जगह चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है तो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस फिर कैपिटल R से नहीं बल्कि हम इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वी आर इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा, तो वी आर को हमने आई आर, जिसमें r स्मॉल है, उससे रिप्लेस कर दिया। तो ये वी आर इक्वल्स टू आई आर है, जैसे आपको बताया कि ये पोटेंशियल ड्रॉप है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, या आप कह लो कि ये एनर्जी लॉस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी वजह से ईएमएफ का एक हिस्सा जो है वो एनर्जी लॉस की सूरत में ज़ाया हो जाता है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होना चाहिए आइडियल सूरत में, रियल सूरत में उतना पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप नहीं हो पाता। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अलग से डिस्कस किया, पोटेंशियल डिफरेंस को अलग से डिस्कस किया। अब दोनों में जो कंसेप्ट सीखा है उसको इस्तेमाल करते हुए हम इन दोनों का कंपैरिजन जो है वो अपनी चौथी हेडिंग के अंदर लेके आएंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही हमने देखा कि ये वर्क डन है जो सोर्स करता है यूनिट चार्ज के ऊपर, दूसरी तरफ भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो सोर्स करता है यूनिट चार्ज के ऊपर। फ़र्क क्या हुआ फिर कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये वो वर्क डन है जो सोर्स करता है चार्ज के ऊपर, चार्ज को एक बार पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, जिसमें बैटरी भी सोर्स भी शामिल है। तो सोर्स और एक्सटर्नल सर्किट को मिला के कम्प्लीट सर्किट बनेगा। कम्प्लीट सर्किट में से एक चार्ज को
एक बार मुकम्मल तौर पे घुमाने के लिए बैटरी को या सोर्स को जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है या सोर्स को जो वर्क डन करना है उसको ईएमएफ कहते हैं। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में जब बात करते हैं उस वक्त हम कहते हैं कि सर्किट में कोई से दो पॉइंट्स ले लें, सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फर्क है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में पूरा सर्किट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई से दो पॉइंट्स आएंगे। है ये वर्क डन ओवर चार्ज और दोनों सूरतों में वर्क डन बाय सोर्स ऑन यूनिट चार्ज या एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स ऑन यूनिट चार्ज, लेकिन जो फासला तय करना है यूनिट चार्ज ने उसका फर्क है। एक सूरत में वो कंप्लीट सर्किट है, एक सूरत में वो एक्सटर्नल सर्किट के कोई से दो पॉइंट्स हैं। फिर स्टूडेंट्स दूसरे पॉइंट की बात करें तो ईएमएफ जो है वो इक्वल हो सकती है पोटेंशियल डिफरेंस के, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के, लेकिन इसके लिए शर्त है कि जो सर्किट है वो ओपन हो। सर्किट जो है वो ओपन हो, उस सूरत में जो ईएमएफ है वो इक्वल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलता है सोर्स के टर्मिनल्स के ऊपर। ये दोनों बातें जो हैं वो ज़रूरी हैं। सोर्स के टर्मिनल्स के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ के इक्वल होगा जब सर्किट जो है वो ओपन है। इसको हम एक डायग्राम में रफ में जाके समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखो ये एक सर्किट है, हम फर्ज कर लेते हैं ये सर्किट ओपन है। अगर ये सर्किट ओपन है स्टूडेंट्स तो फिर जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं वहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होगा, लेकिन जो एक्सटर्नल सर्किट है उसकी तरफ जो है वो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। यहाँ से हम कहते हैं कि सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन है तो एक्सटर्नल सर्किट की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, किसी तरह का कोई फ्लो ऑफ करंट नहीं है। तो जब सर्किट ओपन है तो ये बैटरी के दो हो गए स्टूडेंट्स टर्मिनल, इन टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ के इक्वल होगा। इसको अगर हम साबित करना चाहें मैथमेटिकली तो अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला पढ़ा कि वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। जब सर्किट स्टूडेंट्स ओपन है उस सूरत में सर्किट में से कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा, तो जब सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो आई की वैल्यू ज़ीरो है। जब आई की वैल्यू ज़ीरो है तो ये पूरा जो आई आर वाला फैक्टर है ये ज़ीरो हो जाएगा और वी इक्वल्स टू ई हो जाएगा, ये एप्सिलॉन हो जाएगा। तो देखें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई एम एफ के इक्वल या ई एम एफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, कब? जब सर्किट जो है वो ओपन है, उस सूरत में ये जो दो टर्मिनल्स बनते हैं बैटरी के, इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ई एम एफ के इक्वल होगा। अब दोबारा इस पॉइंट को देखें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि स्टूडेंट्स जब सर्किट ओपन है उस केस में जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं उन टर्मिनल्स पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई एम एफ के इक्वल होता है। जब हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। ईएमएफ जो है वो बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सर्किट के कोई से दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। फिर अगर आपने इनको मेजर करना हो तो बैटरी आपके पास मौजूद है, सेल आपके पास मौजूद है, आपने देखा कि सर्किट ओपन हो या क्लोज हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईएमएफ जो है वो एग्जिस्ट करेगी। बेशक सर्किट आपका क्लोज्ड नहीं है, सर्किट आपका ओपन है, फिर भी ईएमएफ जो है वो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये चूंकि हम इस्तेमाल ही एक्सटर्नल सर्किट के लिए करते हैं, रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, तो जब सर्किट जो है वो ओपन होगा उस वक्त तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा अक्रॉस दी आर, तो अक्रॉस दी आर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेल्टा वी की वैल्यू अक्रॉस दी आर जो है वो ज़ीरो होगी। अक्रॉस दी आर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी तब जब आप सर्किट को क्लोज करोगे, एक करंट फ्लो करेगा और हम कहेंगे कि अक्रॉस दी आर या अक्रॉस दी एक्सटर्नल सर्किट एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो जब सर्किट क्लोज होगा उस वक्त जो है स्टूडेंट्स ईएमएफ भी एग्जिस्ट करती है और उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन सर्किट आप ओपन कर दें तो ओपन सर्किट की सूरत में ईएमएफ तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दी रेजिस्टेंस वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ क्लोज सर्किट की सूरत में ही अक्रॉस द रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा।
इस तरह से फिर हम कह सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो एक काज है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक इफेक्ट है। क्यों? कि ईएमएफ जो है वो अगर वो है और आप सर्किट क्लोज कर देते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, लेकिन अगर आप सर्किट ओपन कर देते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस गायब हो जाएगा। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता ही ईएमएफ की वजह से है। जब आप ईएमएफ देंगे ही नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो ईएमएफ है या बैटरीज हैं वो सोर्सेज हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। जो बैटरीज हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने के लिए यूज़ होती हैं, क्योंकि बैटरीज में ईएमएफ है और उस ईएमएफ की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। तो ईएमएफ जो है वो एक काज हुआ, एक वजह हुई, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसका इफेक्ट हुआ। हमने देखा कि सर्किट जो है जब क्लोज हो और वहाँ पे हमने देखा कि जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा है, या आप कह लो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कम होता है। तो ये तो वजह जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की है, आर आर जो स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वजह से जब यहाँ से करंट फ्लो करता है तो पोटेंशियल ड्रॉप आता है जिसको हम वी आर कहते हैं। तो आई आर की वजह से या वी आर की वजह से जितना पोटेंशियल वी डेवलप होना चाहिए उतना पोटेंशियल वी डेवलप नहीं हो पाता। ईएमएफ का एक हिस्सा जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि फिर जो जितना वी डेवलप होना चाहिए उतना वी डेवलप नहीं हो पाता, वी हमेशा कम रहता है ईएमएफ से, ईएमएफ ज़्यादा रहती है पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम रहता है ईएमएफ से। फिर अगर हम रेजिस्टेंस के ऊपर बात करें तो जो ईएमएफ है स्टूडेंट्स वो एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है सर्किट की उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उसका ताल्लुक जो है वो एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस के साथ नहीं है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्सटर्नल सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक रेजिस्टर जो है वो ले लेता हूँ, इसी रेजिस्टर के जो दो पॉइंट्स हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप करवाना है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस रेजिस्टेंस के। लेकिन जो ईएमएफ है वो इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो हम कहते हैं कि ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट। आई होप कि ये डिफरेंसेस आपको समझ आए होंगे। अलग से भी जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जिक्र किया तो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।